एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 13 जनवरी तक जेल में रहेंगे सोमनाथ भारती। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आप विधायक सोमनाथ भारती जो फिलहाल अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं, वो 13 जनवरी तक जेल में रहेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है और 13 जनवरी तक सोमनाथ भारती को अब जेल में रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 13 जनवरी तक आप विधायक सोमनाथ भारती जेल में रहेंगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले सोमनाथ भारती अब एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 13 जनवरी तक उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा, उन्हें जेल में रहना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर सुल्तानपुर से मिल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, पुराना नाता रहा है, वो 13 जनवरी तक अब जेल में बंद रहेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट आपके पास? आपको हम बता दें कि ये दो दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया हुआ था अमेठी के जगदीशपुर में, कि यहाँ के सदस्य मिटकर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने प्रश्न उठाया था कि हॉस्पिटल में मंत्री बोले यहाँ के अस्पतालों में तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चियों की सुरक्षा के बजाय स्कूल में पुलिस तैनात है। इस बात को लेकर के अमेठी जगदीशपुर में मुकदमा दर्ज था, जिसमें आज इनको अमेठी के जायज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके सुल्तानपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं परसों तारीख लगाई गई, दो दिन बाद तारीख लगी हुई है जहाँ ये आके पेश हो। बिल्कुल नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सोमनाथ भारती, जैसा कि आप बता रहे हैं कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, तो क्या सिर्फ एक मामले में ही उनको जेल भेजा गया है जो अस्पतालों पर उन्होंने टिप्पणी की थी, या सीएम के मामले में भी कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तो एक ही मामले में जो जायज जगदीशपुर बोले थे उसी में भेजे गए हैं। इन्होंने आज कुछ टिप्पणी रायबरेली में भी किया था, वहाँ भी मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिल रही है। अभी तो यही मामला है जो उन्होंने जगदीशपुर में बोला था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोमनाथ भारती, जिन्होंने यूपी के अस्पतालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, अब इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और अब इसमें कार्रवाई हुई है। आज उनकी गिरफ्तारी हुई और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें 13 जनवरी तक अब जेल में रहना होगा। आपको बता दें, सोमनाथ भारती ने अस्पताल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। यूपी में अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर वो टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन इस दौरान सोमनाथ भारती कुछ ऐसा कह गए जो कि विवादों से घिर गया और इस पर कड़ी आपत्ति लोगों ने भी जताई और इसी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और अब सोमनाथ भारती को जब गिरफ्तार किया गया तो जानकारी यह मिल रही है कि 13 जनवरी तक वो जेल में रहे। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आप यानी कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, 2022 के चुनाव से पहले अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सोमनाथ भारती भी अब कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आपको सुनवा देते हैं सोमनाथ भारती ने क्या कहा था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारा बजट 60,000 करोड़ हो गया, उस मॉडल को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए। देखिए, ये वो बयान है सोमनाथ भारती का जो अब उनके लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर लोगों में नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उन्हें सोमनाथ भारती को आज गिरफ्तार किया गया। यूपी में अस्पतालों और स्कूलों का निरीक्षण करने निकले आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई।
इस दौरान सोमनाथ भारती ने जमकर बवाल किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रोका। सोमनाथ भारती ने शनिवार को यूपी के अस्पतालों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। आज पुलिस ने सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस उन्हें जायज लेकर पहुंची। जायज PHC में पुलिस ने सोमनाथ भारती का मेडिकल भी कराया। सोमनाथ भारती को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर केजरीवाल से मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। जो ट्वीट किया है वो हम आपको बताएं। ट्वीट में लिखा है, सोमनाथ भारती द्वारा मुख्यमंत्री जी पर दिए गए बयान की घोर निंदा करता हूं। वैचारिक मतभेद अथवा राजनीति एक तरफ, परंतु यूं खुलेआम आम मौत की धमकी देना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आशा है अरविंद केजरीवाल जी अपने विधायक को शिष्टाचार और सद्बुद्धि देंगे, अगर खुद उनके पास शेष है तो। रायबरेली में सोमनाथ भारती की विवादित टिप्पणियों के बाद भाजपा मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का सच सबके सामने आ गया है और आप विधायक सोमनाथ भारती की एक के बाद एक विवादित टिप्पणी पर सीएम अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की है। आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नक्सल राजनीति का प्रयोग करना चाहती है, पर वह यहाँ कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। यूपी की महान जनता ऐसी सोच के लोगों की को बखूबी पहचानती है। अब तो देश भर में आम आदमी पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। गाली गलौज, अभद्र भाषा और अराजकता आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। सोमनाथ भारती ने प्रदेश की मातृशक्ति और बच्चों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि उसे तो सार्वजनिक तौर पर बताया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके इस बयान से की देश भर में निंदा हो रही है। इस निम्न स्तर की राजनीति से हर कोई हैरान है। बजाय इसके कि वह अपने इस बयान पर शर्मिंदा होते, उन्होंने एक और करतूत कर डाली। आज उन्होंने खुलेआम हमारे यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है और हर हालत में उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।